जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल एमपी की बहु कविता में स्वागत है। तो आज का टूर है हमारा का महाकाल दर्शन का, और आज हम जा रहे हैं महाकाल दर्शन उज्जैन। उज्जैन में हम महाकाल बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो बस ये वहीं की तैयारी है। हम लोग शाम के समय निकले हैं क्योंकि दिन का माहौल बहुत गर्म है। तो बस शाम के समय हम उज्जैन जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अभी भी थोड़ा सा गर्म है, परंतु इच्छा हो गई कि चलते हैं दर्शन करने बाबा की। वो तो बाबा बुलाते हैं तभी जाना होता है, ऐसा नहीं होता है। और ये निकल गए हम इंदौर से उज्जैन रोड के लिए। ये देखिए बाहर का व्यू आपको, यहाँ पे आइसक्रीम वाली गाड़ी मिलेगी, गन्ने का जूस मिलेगा, और दुकानें भी लगी हुई है साइड से। देखिए बड़ी बड़ी शॉप से तो सभी सामान लेते हैं, पर हमें इन लोगों से भी ख़रीद कर इन लोगों की भी कमाई का जरिया बनना चाहिए। रोड के साइड जो दुकानें होती है उनसे भी सामान वगैरह लेना चाहिए। ये देखिए उज्जैन पहुँचने के बाद वहाँ पर बहुत ही बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी। इसके बाद आपको यहाँ से महाकाल टेम्पल तक ई रिक्शा से जाना होता है। तो बस यहीं पर हमने ई रिक्शा की सवारी का भी आनंद उठाया। ई रिक्शा में बैठने में बहुत अच्छा लगता है, और मतलब पता ही नहीं चलता है, एक तो पॉल्यूशन कम हो गया उससे, और बहुत अच्छा एंजॉय करते हुए बैठते हैं। तो बस यही हमने खोजबीन की ई रिक्शा की, और ये बैठ गए हम ई रिक्शा में। यहाँ अब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया था, लगभग 6 बज गए थे शाम का समय। बहुत ही सुहावना मौसम और हवाएं चलने लगी थी। जैसे ही हमने गाड़ी से उतरे हवाएं स्टार्ट हो गई थी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, और मौसम भी ऐसा हो गया था बूंदाबांदी वाला। और ई रिक्शा से ये कुछ वीडियो मैंने कैप्चर की उज्जैन टेम्पल महाकाल बाबा की। ई रिक्शा तो आपको पता है वो कितना हिलता है, तो बस इसीलिए मेरा मोबाइल हिले जा रहा था, तो वीडियो इतना क्लियर आया नहीं। और आप देखिए यहाँ जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, हवा कितनी तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, पर दृश्य इतना सुंदर और मौसम इतना सुहावना था ना कि बहुत ही बढ़िया। ये देखिए ये तालाब के साइड से जब निकलते हैं, वहाँ का मैंने जो दृश्य है वो लिया है। अब सभी जगह पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। इसके बाद हमने वहाँ से लिया प्रसादी, यहाँ प्रसादी ली, और जहाँ से प्रसादी लेते हैं वहीं जूते चप्पल वगैरह उतारे। और प्रसाद लेने के बाद हम जब आगे बढ़े तो थोड़ा सा अब तो चलना होता है महाकाल टेम्पल के लिए। बस वहीं का ये दृश्य है महाकाल टेम्पल में। प्रसाद लेके जब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद देखिए इधर भीड़ भी बहुत थी, शाम का समय था, मौसम भी बहुत प्यारा था। दर्शन करने के लिए हम आगे निकले। आगे निकलने के बाद यहाँ से मंदिर में जब अंदर पहुँचे तो देखिए क्या हुआ हमारे साथ। जितनी बार जाते हैं उतनी बार नई व्यवस्थाएं मिलती। जैसे ही हमने ये पार्किंग थोड़ी सी अंदर गए हैं टेम्पल में, और यहाँ पे चेकिंग के नाम पर हमें रोक दिया गया है। तो बस जितने लोग हम उसमें गए थे बोले आप मोबाइल पर्स लेके नहीं जा सकते हैं। तो अब मोबाइल पर्स जहाँ जमा करना था वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। तो क्या था, जो हम आधे लोग थे वो दर्शन करने गए, और मैं पर्स और मोबाइल लेकर बाहर खड़ी हुई हूँ। जब तक वो लोग दर्शन करके नहीं आते तो बस यही उनका वेट कर रही हूँ। जब वो दर्शन करके आएंगे उसके बाद ही मेरा नंबर आएगा। बाकी सभी लोग दर्शन करने गए हैं, बस बाहर बैठे बैठे मैंने ये वीडियो कैप्चर की। और वहाँ मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्स भी नहीं ले जाने दे रहे हैं, मोबाइल भी नहीं। तो बाहर बैठ के वीडियो बनाया मैंने, फ़ोटोज़ ली। जब बच्चे वगैरह सब दर्शन करके आ गए उसके बाद हम दर्शन करने गए, अंदर की फ़ोटो वगैरह हम नहीं ले पाए क्योंकि मोबाइल बाहर ही रखवा रहे थे। बस ये रेलिंग व्यवस्था कर दी गई है। पिछली बार जब हम आए थे तो इतनी रेलिंग नहीं थी, पर इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए काफ़ी बाहर से रेलिंग लगा दी गई है। तो बस उसी को क्रॉस करके आपको जाना है। वहीं एक घंटे आपको लग जाएगा महाकाल बाबा के दर्शन करने में। और ये बाहर का दृश्य पूरा जब हमने दर्शन करके आए, उसके बाद ये जो लोक बनाया गया है महाकाल लोक, वहाँ घूमे, वहाँ का पूरा व्यू देखा, नज़ारा देखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। महाकाल टेम्पल से दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो ये बाहर का दृश्य। इसके बाद हम हरसिद्धि मंदिर के लिए भी गए। हरसिद्धि मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। तो हमने माता रानी के बाहर से ही हाथ जोड़े, उनको प्रणाम किया। अंदर जाने की हिम्मत हमें नहीं हुई, अगली बार आएंगे जब हरसिद्धि मंदिर जाएंगे। अभी तो देखिए कोई सीज़न ऑफ है, मतलब शिवरात्रि वगैरह भी नहीं है, इसके बाद भी बहुत भीड़ थी हरसिद्धि मंदिर में, तो इतनी ज़्यादा थी, उसका द्वार छोटा है, तो अंदर जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो बस हमने यही काफ़ी समय तक पूरे लोक में विचरण किया, आगे का दृश्य, पीछे का दृश्य, पूरे दृश्य का आनंद उठाया, तालाब का दृश्य लिया, बहुत ही बढ़िया था वहाँ देखने के लिए, बहुत अच्छा, मन प्रसन्न हो गया महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हमने उन्हें। इसके बाद राजघाट होते हुए हम लोग गए काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। काल भैरव बाबा उज्जैन से ही इधर से निकल के गए। तो बस ये वहीं का बाहर का व्यू है,
और वही सोच रहे थे कि अगर हर जगह ऐसा हुआ मोबाइल पर्स आपको नहीं ले जाने देंगे तो ज़रूरी चीज़ें जमा करने की लाइन इतनी लंबी होती है कि बहुत समय लग जाता है। जब आप काल भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे तो ये कुछ ईंट के भट्टे वाला रास्ता पड़ा हमें, यहाँ से हम निकल के गए कच्चा रास्ता, तो बस ये वही की कुछ क्लिपिंग है। पहले मुझे लग रहा था कहाँ जा रहे हैं ये, फिर बाद में थोड़ा अच्छा रोड मिला तो हाँ वही सही लाइन पर जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो पहले नहीं गई हूँ, मैं पहली बार दर्शन करने गई। पिछली बार भी हम आए थे राखी के समय पर, तब भी बहुत भीड़ थी। ये वहाँ काल भैरव बाबा के वहाँ भी पार्किंग बना दी गई है, ये पार्किंग में गाड़ी पार्क करी, यहाँ से हम पैदल चल के गए। लगभग अंधेरा सा होने लगा था हमें, ये वहाँ भी तालाब है, बाहर का दृश्य है ये। यहाँ भी बैरिकेड लगा के श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ मुझे एक नई चीज़ मिली देखने को, देखिए यहाँ जो बैरिकेड्स उस पर कितने सारे धागे बंधे हुए हैं, पूरे बैरिकेड्स पर धागे बंधे हुए हैं। और दूर आपको दिख रहा है काल भैरव बाबा का मंदिर, यहाँ से हम लोगों ने प्रसादी ली। यहाँ पे भी यहाँ ये देखिए कुछ यंत्र वगैरह भी चल रहे थे, काल भैरव बाबा को बॉटल चल रही थी, सभी चीज़ें चल रही थी। और बस यहाँ से प्रसादी ली, दर्शन करने के लिए अंदर गए। यहाँ भी बहुत भीड़ थी इतनी रात होने के बाद भी, मतलब इतनी भीड़, तो सोचिए जब नॉर्मली शिवरात्रि वगैरह रहती होगी तो कितनी भीड़ रहती होगी। बस यहाँ इसी भीड़ के बीच हमने भी दर्शन किए काल भैरव बाबा के। यहाँ भी उन्होंने बोला था कि आपको मोबाइल नहीं लेके जाना है, नहीं अलाउ है, तो बाहर से ही हमने काल भैरव बाबा की तस्वीर खींचने का वो किया, बाहर का व्यू लिया और काल भैरव बाबा के दर्शन किए। काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद इधर से हम दूसरा साइड बनाया गया था आपका बाहर निकलने का, बस वहीं से पीछे के मंदिर के दर्शन करते हुए बाहर ले आ गए। रास्ते में हमने चाय पी, बच्चों ने ठंडाई पी, पानी वगैरह लिया, ककड़ी के पीस खाए और इसी के साथ हम घर आ गए। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।